हेलो नमस्कार, मेरा नाम आकाश यादव है और मैं एक किडनी फेलियर पेशेंट था। मेरी डायलिसिस एक महीने तक हो चुकी है और एक साल से ज़्यादा से मेरी डायलिसिस अभी बंद है। और मैं यहाँ पे बताता हूँ मेरी डायलिसिस कैसे बंद हुई। मैं ये बताता हूँ कि मेरी डायलिसिस कैसे बंद हुई और मैं बिना ट्रांसप्लांट के मेरी डायलिसिस कैसे बंद हुई। कुछ लोगों को यकीन नहीं होता कि मेरी डायलिसिस बंद हुई है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपकी किडनी फेल ही नहीं हुई है और आप झूठ बोल रहे हो तुम। और तो उसी कार में सबूत देने वाला हूँ, मेरे पास कहाँ कहाँ मैंने रिपोर्टें कराई हैं और कहाँ से दवाइयाँ लाता हूँ ये भी बताऊँगा। मैं आप लोगों को ना ही एडवाइस देता हूँ और ना ही मैं आपको ज़बरदस्ती करता हूँ कि आप में जो मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ वो लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी भी, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ और मुझे विश्वास नहीं होता था। तो बस मैं फैक्ट बताऊँगा, उसके बाद आप उस पर विश्वास करें या ना करें उस पर आपकी खुद की मर्जी है। तो और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं ट्रांसप्लांट तक जा चुका था, मतलब ट्रांसप्लांट कराने से एक स्टेप पीछे था, एक महीने बाद मेरा ट्रांसप्लांट था। और वो भी बताऊंगा कैसे, आप सबूत के साथ, क्योंकि मुझे वो सारे फॉर्म्स मैंने मेरे पास आ गए थे। और मैं कितने कितने हॉस्पिटल तक गया हूँ, सबसे पहले बता दूँ कि जब मेरी किडनियाँ फेल हुई तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने पूरे इंडिया के जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं वहाँ वहाँ गया। जैसे कि पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं मेदंता, मेरा नाम देख रहे हैं, उसके बाद में ये रहा मैक्स हॉस्पिटल, ये रहा ओरोलॉजी हॉस्पिटल, ये रहा अपोलो हॉस्पिटल। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे देखिए राम मनोहर लोहिया जो सरकारी कानून हॉस्पिटल है वहाँ भी मैं गया। और अपने देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज, सबसे बड़े हॉस्पिटल यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में दिल्ली में जो है वहाँ भी मैं जा चुका, यानी कि लगभग सभी बड़े हॉस्पिटल में मैं घूम चुका था। और हर जगह मुझे यही कहा गया था कि आपको ट्रांसप्लांट कराना होगा, बिना ट्रांसप्लांट के आप या तो डायलिसिस कराना होगा आपको, या फिर आप बिना डायलिसिस के नहीं रह सकते, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने डायलिसिस कराने को कहा था और मैंने डायलिसिस कराई भी थी। कम से कम मैंने 8 महीने डायलिसिस कराई है। मैंने पहले कैथेटर यानी कि गले से मैंने डायलिसिस कराई, फिर उसके बाद मैंने फिस्टूला भी बनवाया और मैंने फिस्टूला से भी डायलिसिस कराई हुई है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ट्रांसप्लांट ये अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के करने के बाद आपको उतना ही पैसा लगता है, आपकी दवाइयाँ आती रहती है, कंटिन्यू आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी, वो दवाइयों का खर्चा, उसके बाद में लाइफ में आपको अपने आप को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होना होगा। और ये लाइफ लॉन्ग भी नहीं होता, आपकी क्या पता कि आपकी जो नई किडनी लगी हो कितने साल लगती हैं, मतलब आप इतने सारे पैसे भी खर्च करें, ऑपरेशन कराएं, अपने बॉडी को भी इतने डैमेज करें और उसके बाद में लाइफ भी ऐसे नॉर्मल भी नहीं रहेगी, आपको बहुत प्रोटेक्टिव भी होना होगा। उसके बाद भी आप ये नहीं पता कि आपकी जो नई किडनियाँ लगी हैं वो कब फिर से डैमेज हो जाए और फिर से मतलब रिजेक्ट कर दे बॉडी और फिर आपको ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आनी पड़े, डायलिसिस की नौबत आनी पड़ी। यानी कि कभी कभार कुछ लोगों की 3 साल चलती है, 3 साल भी चलती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल भी चलती है। पर क्या पता कब किसी का वो हो जाए। और कम से कम बहुत सारे पैसे लगते हैं इसमें, लगभग पाँच से छः लाख प्राइवेट हॉस्पिटल में देने के बाद अगर आपकी किडनी फिर से डैमेज हो जाए, उसके बाद में हर महीने आपको दवाइयों का खर्चा, और ये पैसे कहीं ना कहीं जाके आपका 7-8-10 लाख तक पहुंच जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं हर चीज़ का। तो मैं अभी बताने वाला हूँ कि मुझे इसलिए ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं लगा। कई लोग कहते हैं कि नहीं सर, नहीं,
ट्रांसप्लांट ही सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है, ये सब दवाइयों में बेकार है, फेक चीज़ें हैं, ट्रांसप्लांट ही सबसे अच्छा है। तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है कि डायलिसिस से अच्छा है, पर इतना आपको नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकता चाहे आप जो भी कर लेंगे। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मुझे ये नहीं पसंद था क्योंकि आपको नॉर्मल लाइफ नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने कई सारे पेशेंट से मिला था। पर हाँ, बिल्कुल डायलिसिस से बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, पर नॉर्मल लाइफ आपको कभी नहीं दे सकता ट्रांसप्लांट। इसीलिए मैंने सोचा और शायद मेरी नसीब अच्छा था कि मुझे सही टाइम पे किसी ने सजेस्ट कर दिया। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैं आपको ब्लेम बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपकी गलती है, बिल्कुल आपकी गलती नहीं, क्योंकि डॉक्टर यही कहते हैं। ये जितने भी यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं, ये सब में मैंने डॉक्टर जो है वो यही कहते थे कि नहीं, बिना ट्रांसप्लांट के नहीं सही होगा। तो मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं था, और अभी भी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, भले डायलिसिस मेरी बंद है, क्रिएटिनिन मेरा 3-4 तक आ चुका है और कभी कभार 2 भी हो जाता है, और सी मेरा क्रिएटिनिन और यूरिया इसमें बढ़ा हुआ है, और सारी चीज़ें नॉर्मल है, मेरी किडनीज की साइज भी नॉर्मल है। अगर आपको देखना है तो पिछले पुरानी वीडियोस देख लें, वहाँ पर मैंने सारी वीडियो और रिपोर्ट्स डाली हैं, जहाँ पे देख सकते हैं मेरी नॉर्मल साइज की किडनियाँ हैं और मेरे क्रिएटिनिन भी कम है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप करिए, ज़रूर बिल्कुल करिए ही करिए, पर मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है इस समय, वो मैं बता रहा हूँ। और आप मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आप मेरे पूरी जर्नी देखेंगे, फिर उसके हमें विश्वास कीजिए कि ये सही है कि नहीं है। मैं सिर्फ बताता हूँ जो मेरे साथ होता है। तो मेरे साथ इस समय सब कुछ सही हो रहा है, मैं हेल्दी हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, चल फिर सकता हूँ बिना डायलिसिस से 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, और उसके साथ साथ मेरी दवाइयाँ और डाइटिंग चल रही है। तो ये जो चीज़ है वो सही है, मैं वो सिर्फ बताता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि आपको डायलिसिस करानी चाहिए या आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी बात है, डायलिसिस से लाख गुना करोड़ गुना अच्छा है, पर जो ट्रांसप्लांट के बाद आपकी लाइफ एकदम नॉर्मल नहीं रहती है, ये मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि तुम्हारी किडनी नहीं फेल हुई थी, तो उसकी रिपोर्ट भी मैंने वीडियो में डाली हुई है, सारी रिपोर्ट्स डाली हैं, एम्स से लेके राम मनोहर लोहिया, अपोलो सारे हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स मैंने डाली है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरी कहाँ तक ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ चुकी थी, जो मैं ट्रांसप्लांट कराने वाला था 1 स्टेप या 1 महीने पीछे था, उसका सबूत यहाँ पर है। ये देखिए, प्रिसिशन ओरोलॉजी हॉस्पिटल, उन्होंने पूरा चार्ट मुझे दे दिया था कि कितना कितना पैसा आपको लगेगा, 6,000 रुपये किस चीज़ का लगेगा, आप इसको देख सकते हैं। मैं एक ही चीज़ नहीं बता पाऊँगा, पर लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखो, ये अलग अलग स्टेज होते हैं, इतने पैसे इतने पैसे लगते हैं, और ये देख इतने इतने पैसे आपके लगते हैं डायलिसिस ट्रांसप्लांट कराने में, पूरे पैसे लगते हैं। तो आप काउंट कर लीजिए कितने पैसे लगते हैं। इस स्टेज तक भी मैं आ गया था। यहाँ पर देखिए, अपोलो वालों ने मुझे दे दिया था कि फॉर्म पूरा भर दिया था, तो मेरा फॉर्म भी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, मेरी किडनी डैमेज नहीं हुई थी या फिर ट्रांसप्लांट तक की नौबत नहीं आई थी। बिल्कुल नौबत आ चुकी थी, 1 महीने भी पीछे था मुझे। ये सब मैंने फॉर्म भी खरीद लिए थे, कोरोना के वजह से मैं रुका हुआ था कि कोरोना ख़त्म हो तब मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, पर उसी बीच में मुझे कुछ लोग मिल गए जो ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ से कराओ तो हो सकता है सही हो जाए। मैं कराया तो अब मेरी डायलिसिस बंद हो चुकी है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो यही मैं बताना चाहता था, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कोई किडनी उडनी नहीं सही, आपको तो एक्यूट किडनी डिजीज़ हुआ था, बट नहीं, मुझे CKD हुआ था, इसलिए मुझे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत आ चुकी थी, इसीलिए मैं ट्रांसप्लांट की बात कर रहा था। तो ये सब ट्रांसप्लांट की बात है, आप इसको फिर से सही से देख सकते हैं कि कितना कितना पैसा लग रहा है। और अगर कई लोग पूछते हैं कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, वो आपकी मर्जी, आप ट्रांसप्लांट करा ले, कोई उसमें गलत बात नहीं। ट्रांसप्लांट अगर आपको कराना है तो आप करा लीजिए, मैं कहीं रोक नहीं रहा हूँ आपको ट्रांसप्लांट कराने से। ट्रांसप्लांट डायलिसिस से लागू अच्छा है, डायलिसिस बहुत पेनफुल प्रोसेस है मुझे पता है, तो आप ट्रांसप्लांट कराना चाहें तो करा दें, और अगर आप ये दवा लेना चाहें तो दवा ले सकते हैं। पर आप एक बार, मैं कहूँगा कि आप डॉक्टर से बात करके पूछें या उनको अपनी रिपोर्ट्स भेजें, कुछ दिन तो कराएं दवा, हो सकता है कि उससे थोड़ा बहुत अगर आपको एक क्रिएटिनिन में कान में अगर आपको लगे कि आपका क्रिएटिनिन कम हो रहा है पिछले महीनों से, तो आप उसको शुरू रखें। अगर नहीं कर सकते तो नहीं कराएं, इसमें भी पैसे उतने ही लगते हैं, उससे ज़्यादा पैसे लगते हैं, और फिर आपका फिर से
डैमेज होने का यानी कि फिर से रिजेक्ट होने का खतरा होता है। तो डायलिसिस से अच्छा ट्रांसप्लांट और ट्रांसप्लांट से अच्छा रिकवर किडनी रिकवर ही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और ये सब मेरी रिपोर्ट्स हैं, जो लोग नहीं विश्वास करते हैं तो उन लोग के लिए ये एक रिपोर्ट था, बिल्कुल सही है। आप लोग अपनी जगह पे कोई अब गलत नहीं है, ये मैं नहीं करता क्योंकि मैं खुद नहीं इसको मैं खुद विश्वास नहीं करता था, तो इसके लिए आपकी कोई उसमें गलती नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ट्रांसप्लांट पर वीडियो बनाऊं कि कहाँ पे प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल कौन कौन से हैं जहाँ पे आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, तो मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं हर जगह जा चुका हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ अच्छे से कि कहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, किस किस प्राइवेट हॉस्पिटल में, किस किस सरकारी हॉस्पिटल में। तो उसके लिए मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। और इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि मैं डाइट पर वीडियो बनाऊं, जो मैं डाइट ले रहा हूं हर एक चीज़ पर, तो मैं उसके लिए भी डाइट बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए इन सब चीज़ के लिए आपको कमेंट में पूछना होगा मुझसे, तब मैं बनाऊंगा, तब मैं कमेंट में इन सब पे वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के वीडियोस के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर जवाब दूंगा, अगर वो जवाब देने लायक होगा कमेंट में, नहीं तो मैं वीडियो बना के जवाब दूंगा। तब तक लाइक करें वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करें और सजेस्ट करें मैं नेक्स्ट कौन सी वीडियो और किस टॉपिक पर बनाऊं।